हेलो सो स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बैटमैन वर्सेस स्पाइडरमैन का वर्सेस बैटल वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर इन दोनों में डेथ बैटल शुरू भी हो गई तो भी इन दोनों में से कौन ऐसा है जो कि दूसरे पर भारी पड़ के ये बैटल जीत सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैटमैन और स्पाइडरमैन का अल्टर ईगो क्या है। बैटमैन जो कि असलियत में एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है ब्रूस वेन, और साथ ही साथ वो एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन जो कि अभी एक टीनेजर है जिसका नाम है पीटर पार्कर। अगर दोनों ही यूनिवर्स की बात की जाए तो बैटमैन बिलोंग करता है डीसी यूनिवर्स से और स्पाइडरमैन बिलोंग करता है मार्वल यूनिवर्स से, और दोनों ही वेल नोन कैरेक्टर्स है सभी लोगों के लिए क्योंकि वो दोनों ही सुपर हीरोज अपने एनिमेटेड सीरीज और मूवीज में काफी मशहूर हो चुके हैं। और अगर बात की जाए उनके पावर्स की तो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर, उसको अपनी पावर्स मिली थी एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने की वजह से, जिस वजह से उसके पास सारी ह्यूमन स्पाइडर एबिलिटीज आ चुकी थी, और साथ ही साथ उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, और तो और वो वॉल क्रावलिंग भी कर सकता है जैसे कि कोई भी आम स्पाइडर करता है। दूसरी तरफ बैटमैन की पावर्स में शामिल है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, पीक फिजिकल और मेंटल कंडीशन, यानी कि आम आदमी की मेंटल और फिजिकल कंडीशन जहाँ पर उसकी सहनशीलता उसका साथ छोड़ देती है उस लेवल तक बैटमैन खुद को संभाल सकता है। मास्टर मार्शल आर्टिस्ट, एक्रोबैट, डिटेक्टिव, एस्केपोलॉजिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, स्वॉट्समैन, टेक्टिशियन और मार्क्समैन, और साथ ही साथ वो हाईटेक इक्विपमेंट्स, वेपन्स, आर्मर्स और गैजेट्स बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेता है, और वो मास्टर ऑफ स्टेल्थ है यानी कि वो खुद को किसी भी जगह पर बड़ी आसानी से छुपा लेता है और बड़ी शातिर तरीके से। ये हम उसके कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में देख ही चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं उनकी वीकनेस की तरफ। देखा जाए तो स्पाइडरमैन की वीकनेसेस कुछ गिनी चुनी है, लेकिन अगर बैटमैन की बात की जाए तो आम आदमी होने की वजह से वो उन सारे वीकनेसेस के आगे कमजोर पड़ जाता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन को कमजोर या फिर मार सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पास वैसे तो कोई वीकनेस नहीं है सिवाय इसके कि उसी के लोग उसी के खिलाफ कर दिए जाए अगर उसे हराना या मारना है तो, क्योंकि उन लोगों के अलावा उसके सीक्रेट्स और उसकी सारी टेक्निक्स किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं उनके एनिमीज की। बैटमैन के एनिमीज की लिस्ट तो काफी लंबी है, जैसे कि जोकर, टू फेस, कोर्ट ऑफ आउल्स, आउल मैन, पेंगुइन, कैट वुमन, हार्ली क्वीन, स्केयरक्रो, ब्लैक मास्क, और स्पाइडरमैन के वेनम, सैंडमैन, ग्रीन गॉब्लिन, किंग पिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, कार्नेज, लिजर्ड और भी बहुत कुछ। तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, यानी कि बैटल पर। अगर डेथ बैटल में स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों को ही बिना प्रिपरेशन टाइम के अगर डेथ बैटल के लिए तैयार किया जाए तो स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंसेस और नाइट विजन की मदद से बैटमैन को कहीं पर भी और किसी भी तरह से उसे रोक कर उसे मार सकता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रिपरेशन टाइम की, और अगर बैटमैन को एक थोड़े दिनों का या फिर कहीं की कुछ घंटों का वक्त दिया जाए तो भी वो स्पाइडरमैन को आसानी से हरा सकता है। लेकिन अगर उन दोनों के ही पावर्स निकाल लिए जाए, जैसे कि ब्रूस वेन एक आम आदमी है और स्पाइडरमैन एक ह्यूमन स्पाइडर है, तो अगर स्पाइडरमैन से स्पाइडर सेंसेस और स्पाइडर स्ट्रेंथ को अलग किया जाए तो बैटमैन के सामने वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन नहीं। तो इसी वजह से अलग अलग सिचुएशंस में दोनों सुपर हीरो एक दूसरे पर भारी पड़ सकते हैं। फिर भी इसके बारे में हर एक इंसान का अलग कहना हो सकता है। जैसे कि कोई अगर मार्वल का बहुत बड़ा फैन हो तो वो स्पाइडरमैन को जिताएगा, और अगर कोई डीसी का हो तो एब्सोल्युटली वो बैटमैन की तरफ ही वोट करेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।